अब कोई कार्तिक भील को मार के नहीं बच सकता है, अब कोई रोहित बेमुला को मार के नहीं बच सकता है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। उनका सामाजिक संगठन नेता पैदा करता है, हमारा सामाजिक संगठन नेता बनने की कोशिश करता है। कोई दलित मारा जाता है तो पिछड़ा नहीं बोलता है, कोई पिछड़ा मारा जाता है तो दलित नहीं बोलता है, कोई आदिवासी मारा जाता है तो माइनॉरिटी नहीं बोलता है कि अपनी अमेरी उनसे नापो जो सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, जो चांदी के चम्मच से सोने के प्लेट में खाना खा रहे हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की है। 2024 में इस देश में बहुजनों की सत्ता होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। जय भीम, जय भीम। ये आंदोलन है, बाबा साहब भी अकेले लड़ रहे थे, फूले भी अकेले लड़ रहे थे, पेरियार भी अकेले लड़ रहे थे, बुद्ध भी अकेले लड़ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा भी अकेले लड़ रहे थे, मान्यवर कांसी राम साहब भी अकेले लड़ रहे थे। और हम इस लड़ाई को लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि हमारा समाज लड़ने वाले को अकेला छोड़ देता है। लेकिन आज ये कारवा बढ़ रहा है, ये अलग बात है कि मंच पर बहुत संख्या बढ़ रही है, ग्राउंड में भी लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसको ऐसे भी देखिए, इस देश के बहुजन समाज को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास न पैसा है न संसाधन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस या बीजेपी या तमाम जो सवर्णों की पार्टियां हैं वो जनाधार वाली पार्टी नहीं है, वो पैसे वाली पार्टी है, और इसलिए उनके रैलियों में भीड़ होती है। लेकिन जो इस देश में बहुजनों की पार्टी है वो जनाधार वाली पार्टी है, पैसे वाली पार्टी नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज के जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो उन लोगों से है जिन्होंने इस देश के सत्ता पर कब्जा जमा रखा है। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम जो पावर सेंटर्स हैं उन पर उनका कब्जा है। और मैं जानता हूं इस देश में जानबूझकर अफवाह फैला गया कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का। जब इस देश में गरीब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग राजनीति में आने लगे, यहाँ जो सावित्रीबाई फूले हैं, सैनी साहब हैं, ये लोग जब चुनकर आए और जब समाज की बातें करने लगे, जब लालू यादव सत्ता में आने लगे, मुलायम सिंह यादव आने लगे, शिबू सोरेन आने लगे, तमाम मायावती आने लगी, तो इस देश में एक अफवाह फैलाया गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो गया है और पैसे के बल पर सरकार बनती है, सरकार गिरती है। देखिए, मसला एकदम साफ साफ है। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मजदूर बने रहिए या इस देश का हुक्मरान बनिए। और हुक्मरान बनने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कोई न्योता नहीं दिया जाता है। मैं थोड़ा अपने समाज की आलोचना करूंगा, मैं वैसे करता नहीं हूं, मैं ये बात जानता हूं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये किसी समाज का स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, हमारा जो सोशल एक्टिविज्म है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, उसको मैं झेलता हूं। मैं एक पत्रकार के तौर पे इस देश के जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी संगठन में हो, मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूं। हम देखते हैं कि दुश्मन के बारे में बोलना तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे के लिए तलवार खींच के बैठे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि बहुजन समाज पिछड़ा हुआ समाज है और हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। अरे, इस देश में कोई वाजपेयी तभी बनता है जब कोई आडवाणी और जोशी सत्ता का त्याग करता है। आप कल्पना कीजिए, अगर आडवाणी भी कहता कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जोशी भी कहता मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या वाजपेयी प्रधानमंत्री बनता?
लेकिन हमारे समाज की यही विडंबना है, पिताजी मुख्यमंत्री, फिर बेटा मुख्यमंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही चल रहा है और इसी में समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। इसलिए हमें अपने सड़कों से नेता चुनना पड़ेगा, नया नेता चुनना पड़ेगा। रही बात सोशल एक्टिविस्टों की, तो उनकी भी एक समस्या है। हम सब तमाम तकलीफों से निकलते हैं, तमाम मजबूरियों से निकलते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जगदेव बाबू ने कहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। हम बहुत तकलीफ वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य भी नहीं है। हम अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, मैं पत्रकार था, पत्रकार हूं और पत्रकार ही रहूंगा। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। हम सब लोगों को अपने अपने फील्ड में, आप सोचिए उनका सामाजिक संगठन क्या करता है, उनका सामाजिक संगठन नेता पैदा करता है, हमारा सामाजिक संगठन नेता बनने की कोशिश करता है। हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आप सब हमारे लोगों को दिमाग में भर दिया गया है कि फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा, फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा। ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है। कोई मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, MLA MP 545 ही होते हैं, लेकिन वो समाज तभी जीतता है, लड़ता है, जब उस समाज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और हमारी कमजोरियां, हमारा आपसी मनमुटाव है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी का। और ये आज नहीं है, हम इसीलिए पिछड़े हैं, शोषित हैं, लेकिन ये बढ़ भी रहा है। ये अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बहुजन भाईचारा, बहुजन नेता, बहुजन लीडरशिप करीब आ रहा है। सोचिए JNU में एक छोटा सा मामला हुआ, किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण देश छोड़ो। मुझे नहीं पता किसने लिखा, मुझे इतना पता है कि ये कोई बड़ी साजिश है, लेकिन इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया। लेकिन हम लोगों को देखिए, कोई दलित मारा जाता है तो पिछड़ा नहीं बोलता है, कोई पिछड़ा मारा जाता है तो दलित नहीं बोलता है, कोई आदिवासी मारा जाता है तो माइनॉरिटी नहीं बोलता है। हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। और भाई साहब यकीन मानिए, देर सवेर आगे पीछे हम सब की बारी आएगी और हम सब मारे जाएंगे। और यह भी बात बता रहा हूं, इस देश में जो 90% आबादी है उसके पास सिर्फ 3% संसाधन है। हमारे जो लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा अमीर हो गए हैं, वो अपनी अमीरी अपने ही लोगों से नापते हैं। मैं उनको कहता हूं कि अपनी अमीरी उनसे नापो जो सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, जो चांदी के चम्मच से सोने के प्लेट में खाना खा रहे हैं। हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है, आपस के संगठनों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की है। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हुए तो हम आर्थिक रूप से गरीब, लाचार, बेबस मर जाएंगे। तो आप लोग मन छोटा मत कीजिए, अपनी बातें रखिए, इस समाज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। देश जग रहा है, समाज जग रहा है, हमारा समाज गरीब है, मजबूर है, वर्किंग डे है, वो अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के नहीं आ सकता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ से बोलेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए एक रूम में बैठ के रैलियाँ हो रही है, वीडियो, TV, अखबार के जरिए चुनाव जीता जा रहा है, इसलिए जो आप लोग बोलेंगे वो पूरा देश और पूरी दुनिया का बहुजन समाज सुनेगा। इसलिए इस बात को तथस्थता से, ताकत से रखना है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे रास्ते क्या है। और यकीन मानिए, इससे ज्यादा बहुजन समाज कभी जागरूक नहीं था, आज हम बहुजन समाज के तौर पे बहुत जागरूक है। और ज्यादा दिन नहीं है, 2024 में इस देश में बहुजनों की सत्ता होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुजन समाज अब जग गया है और वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत है। बस फर्क इतना है कि हमें ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा जिसके लिए समाज का हित सबसे आगे है, और वो तभी काम करेगा। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता से मिलता हूं, उन सबको अब लग गया है कि समाज जागरूक है।
और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई कार्तिक भील को मार के नहीं बच सकता है, अब कोई रोहित बेमुला को मार के नहीं बच सकता है, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक है।